मैं ग्वालियर शहर के एक ऐसे कवि से जिससे आज के लगभग 20 साल पहले फरीदाबाद के कवि सम्मेलन में मिला था, और मैं उस समय कवि सम्मेलन में नया नया कवि हुआ था, और अमित चितवन मेरे साथ एक ही ट्रेन में हम दोनों सफर करके आए थे। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अद्भुत कवि है, होशियार आदमी है। अगले ने जब कवि सम्मेलन का धंधा बंद हुआ तो डॉक्टरी की दुकान खोल ली, फीस लिख दी 1,000 रुपए, अकल बढ़ाने का डॉक्टर। तो सारे कवियों को लगा कवियों को ज्यादा अकल की जरूरत होती है, तो भाई अमित के हॉस्पिटल में पहुंचने लगे। अमित भाई बुलाता, 1,000 का नोट लेता, मुंह खुलवाता और एक गोली डाल देता, बोले जा अकल आ जाएगी। एक कवि पहुंच गया, धंधा चल निकला। कवि जब पहुंचा तो भाई ने कहा 1,000 का नोट ला, अब तो 2,000 का चलने लगा है तो फीस बढ़ गई है। तो भाई ने 2,000 का नोट लिया, उसको कैप्सूल दिया, बोले ले। कवि ने कैप्सूल खाया, उसको लगा कल अकल बढ़ जाएगी, घर गया आराम से सो गया। अगले दिन अकल नहीं बढ़ी तो फिर पहुंच गया, बोले भाई साहब आपने दवा दी थी? बोले हाँ दी थी, ला 2,000 का नोट। फिर से 2,000 का नोट लिया, बोले ये ले कैप्सूल खाने, तेरी अकल बढ़ जाएगी। कवि फिर घर चला गया। तीसरे दिन फिर लौट के आया, बोले भाई साहब आपने 2,000 रुपए लिए थे, अकल बढ़ाने की दवा दी थी? बोले हाँ दी थी। बोले क्या दी थी आपने? कोई अकल वकल नहीं बढ़ती है, आपने बेवकूफ बना के मुझे 4,000 रुपए ठग लिए। भाई ने एक कान के नीचे मारा, बोले आ गई ना कर। तो अद्भुत कवि है, छोटे छोटे व्यंग्यों के माध्यम से, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बड़ी प्रस्तुति देता है। जोरदार तालियां बजाकर भाई अमित चितवन को आमंत्रित करें। चौबे जी हाजिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चौबे जी वास्तव में हाजिर हैं। जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूं और उसमें देखता हूं प्रदीप चौबे, तो हाल हाजिर हो जाते हैं, वो हमसे दूर नहीं गए हैं। क्या बात है। तब मुझे कुछ बात याद आती है दोस्तों, क्या होता है कि कहते हैं ना कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं। लोग टेंशन के, टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं। हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती का टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलो भाई चार पंक्तियों और मैं सुनाता हूँ कि पल दो पल की जिंदगी, अभी ताली के बारे में बहुत सारी बात कर रहे थे कि पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। पल दो पल की जिंदगी, हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। दरअसल क्या होता है मनोज भाई, जैसे ही मैं अभी घर से चला ना, तो क्या मैं लेट हो रहा था, तो मैंने पत्नी से कहा कि मेरी पेंट कहाँ रखी है। भाई इसी बात पे झगड़ा हो गया साहब, अभी झगड़ा हो गया। कह लगी तब जब भी तुम किसी प्रोग्राम में जाते हो, कवि सम्मेलन में जाते हो, पूछते हो पेंट कहाँ रखी है, पेंट प्रेस हो गई क्या, ये बता मुझसे मोहब्बत है पेंट से। तो मैं जल्दी में तो था ही, मैंने बोल दिया पेंट से। तो पत्नी बोलने लगी क्यों? मैंने कहा भगवान तुझे छोड़ के तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। भाई क्या बात है, क्या बारीक व्यंग्य है भाई, बहुत बढ़िया होता है साहब। अभी कुछ दिन की बात है साहब, मैं दरअसल क्या भिखारियों को भीख नहीं देता हूँ जी, लेकिन क्या है कि भिखारी तुमसे मांगते हैं भीख, वो तो स्टाफ का समझ के छोड़ देते होंगे। नहीं वही तो, वो विश्वास का तो छोड़ते नहीं है साहब। जैसे मैं ग्वालियर के प्लेटफॉर्म पे उतरा मनोज भाई, एक भिखारी मेरे पास आया जी, कहने लगा बाबूजी कुछ दे दो। दरअसल मैं भिखारियों को नहीं देता हूँ जी, लेकिन उस दिन मेरी जेब में 1-1 रुपए के बहुत सारे सिक्के रखे थे जी। तो मैंने उठा के वो सिक्के पूरे जेब में से निकाल के उसको दे दिए। उसने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, कहने लगा बाबूजी पंजाब मिल से आ रहे हो? मैंने कहा आ तो रहा हूँ यार। मुंबई से आ रहे हो? मैंने कहा आ तो रहा हूँ यार। कह रहा बाबूजी अपने पैसे वापस ले लो। मैंने कहा रख ले तेरे काम आएंगे। वो तपाक से बोला बाबूजी मैं अपने खानदान वालों से नहीं लेता हूं। मैंने कहा तुम ये जानते नहीं हो, ग्वालियर का बहुत बड़ा हास्य रंग का कवि हूं, पूरा शहर मुझे जानता, तू नहीं जानता है? कहने लगा बाबूजी आज तक नहीं जानता था, मगर आज जान गया हूं। मैंने क्या जान गया है? कि मैं प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा हूं और आप भीख मांगने के लिए इतनी दूर जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। कविता की बात हो रही है, मनोज भाई ने बहुत अच्छा ये आज ग्वालियर के यहाँ पर ये सजाया है सेट। दरअसल क्या होता है आजकल हमारे देश में सफाई अभियान चल रहा है, तो मेरे घर में भी सफाई अभियान चला साहब जी, के शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास ना सब्जी में स्वाद,
शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास ना सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। आहा, हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूं ना पे तुम पे मर रही हूं, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूं। कविता हो जाती है साहब। देखिए अब राजनीति की बात यहां पर होती है तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम लोग उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन बिल्ली क्या कह रही है, देखिए आप एक छोटी सी कविता के माध्यम से कि हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हाँ हाँ, हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी तपाक से बोली, खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। मौसी बोली, नहीं बेटा, मैं तो तेरे मौसा के साथ कल बाजार शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को बांट गया। अरे क्या बताऊं बेटा, एक मनुष्य नेता हमारा रास्ता काट गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। कविता शुरू होती है साहब, देखिए एक और मेरे को कविता याद आ गई, कभी कभी घर से भी कविता बन जाती है कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा। क्या बात है। हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। क्या बात है। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट के आओ। कुत्ता बोला, बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।